सो हेलो फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, हम स्टडी कर रहे थे 10th स्टैंडर्ड का ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन में अब तक हमने देखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे डिस्कवर हुई। उसके बाद वी सॉ व्हाट इज सर्कुलर मोशन एंड व्हाट इज सेंट्रिपिटल फोर्स। ये हमारे लेसन का सेकेंड पॉइंट था। उसके बाद हमने स्टडी की केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, जिसमें हमने केपलर के तीन लॉस को स्टडी किया। एंड उसके बाद फ्रेंड्स, किस तरह न्यूटन ने सर्कुलर मोशन और सेंट्रिपिटल फोर्स एज वेल एज केपलर्स लॉ को यूज करके न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया, ये स्टडी किया। नाउ आज हम स्टडी करने वाले हैं इस लेसन का फिफ्थ पॉइंट, दैट इज एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, आज का फ्रेंड्स हमारा पॉइंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू सी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ना आपने 9th स्टैंडर्ड की फर्स्ट लेसन में ये पढ़ा होगा, दैट इज लॉ ऑफ मोशन। उसमें फ्रेंड्स हमने न्यूटन का सेकेंड लॉ देखा। और न्यूटन के सेकेंड लॉ में हमें एक फोर्स का एक फॉर्मूला मिला था, जो फॉर्मूला था एफ इज इक्वल्स टू एम ए, यानी फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला हमें न्यूटन के सेकेंड लॉ से मिला है। इस फॉर्मूला का मतलब होता है कि अगर आप किसी मास पे फोर्स लगा रहे हैं, तो उस मास में फ्रेंड्स एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कोई मास है, उस पे आप फोर्स लगाओ, तो उस फोर्स की वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सीलरेशन। ना ग्रेविटेशन लेसन में हमने पढ़ा है कि अर्थ सारी ऑब्जेक्ट्स पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सारे ऑब्जेक्ट्स अर्थ के सेंटर की तरफ पुल हो रहे हैं, यानी अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। यानी फ्रेंड्स, अभी हम मास है, अर्थ हम पे एक फोर्स लगा रही है, तो जब मास पे फोर्स लगेगी तो वहां पे एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। बट ये जो एक्सेलरेशन है, ये प्रोड्यूस होता है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इसलिए इस एक्सेलरेशन को हम बुलाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ऐसा एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके वजह से प्रोड्यूस हुआ है? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। स्मॉल जी फ्रेंड्स हम यूज करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। तो ग्रेविटेशन में फ्रेंड्स दो वर्ड्स है, एक ही ग्रेविटी और दूसरा वर्ड है ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ इन दोनों वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग है। ग्रेविटी हम यूज करते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, और बाकी सारी चीजों के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स ये वर्ड यूज करते हैं। हमेशा याद रखिए, अगर आपको अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करना है, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में आप ग्रेविटी वर्ड यूज करोगे। और अगर आप किसी भी अदर ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सो फॉर दैट ऑब्जेक्ट यू विल यूज द वर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटी यानी अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, और बाकी सारी चीजों के लिए जस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा वर्ड आप यूज कर सकते हैं। ना हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो समझ में आ गया कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है वो उसे कैलकुलेट कैसे किया जाए, यानी उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमें न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से फोर्स की वैल्यू मिली है, और वो वैल्यू है फ्रेंड्स एफ सी। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या है? एफ इज इक्वल्स टू जी एम वन इंटू एम टू अपॉन डी स्क्वेयर, जहां पे डी दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस था। अगर आप आपके टेक्स्ट बुक देखे फ्रेंड्स, तो वहां पे डी की जगह आर लिखा है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कुछ बुक्स में डी यूज किया गया है, कुछ बुक्स में आर यूज किया है। दोनों अल्फाबेट्स फ्रेंड्स दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस दिखा रहे हैं। नाउ ये भी एक फोर्स का फॉर्मूला है और ये भी एक फोर्स का फॉर्मूला है, तो हम दोनों फॉर्मूले को एक दूसरे के इक्वल पुट कर सकते हैं। सो वी कैन राइट एम ए इज इक्वल टू जी एम वन इंटू एम टू अपॉन डी स्क्वायर।
ओके नाउ फ्रेंड्स सी यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इस ए की जगह मैं यहाँ पे राइट डाउन कर सकता हूँ जी, बिकॉज यहाँ पे हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। नाउ इस केस में हम दो ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है हमारा अर्थ और दूसरा ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स हम कोई भी एक जनरल ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं जो अर्थ की सरफेस पे है। तो ये हमारी अर्थ, ये अर्थ का सेंटर ओ और ये अर्थ का रेडियस कैपिटल आर। हमेशा याद रखिए ग्रेविटेशन लेसन में कैपिटल आर ये अर्थ के रेडियस को ही दिखाने के लिए यूज करते हैं, और अर्थ का मास हमेशा डिनोट करते हैं हम कैपिटल एम से। सो कैपिटल एम डिनोट्स द मास ऑफ द अर्थ एंड कैपिटल आर डिनोट्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। और ये जो छोटा सा ऑब्जेक्ट है इसका मास हम कंसीडर करते हैं एम। तो यहां पे देखिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स आ गए, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है आर। सो यहां पे डी स्क्वायर की जगह हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं, एक मास एम वन था तो अर्थ को एम वन कंसिडर करेंगे यानी एम पुट करेंगे एम वन की जगह, और हमारा दूसरा मास यानी एम टू है स्मॉल है। तो ये वैल्यूज अभी हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं या पुट करते हैं। सो वी विल गेट एम जी इक्वल्स टू जी, एम वन क्या है कैपिटल एम दैट इज मास ऑफ अर्थ, एम टू क्या है हमारे ऑब्जेक्ट का मास दैट इज स्मॉल एम, अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आर, दैट्स व्हाई आर स्क्वायर। ना अभी आपको यहां पे क्वेश्चन होगा कि हमें डिस्टेंस तो सेंटर टू सेंटर मेजर करना है, तो सी यहां से इस पॉइंट तक, यहां से फ्रेंड्स इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो आर होता है। ये डिस्टेंस हमने क्यों कंसीडर नहीं किया, तो सी फ्रेंड्स एज कंपेयर टू आर ये डिस्टेंस काफी छोटा है, तो अगर उसे कंसीडर नहीं किया देन ऑल्सो ओके। ओके सो हम यही कंसीडर करते हैं कि ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है, दैट इज द रेडियस ऑफ द। ना हमें कुछ इस तरीके का इक्वेशन मिलता है। नाउ इफ यू सी यहां पे एम है, ये एम यहां मल्टीप्लीकेशन में अगर उतर जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, सो वी विल गेट एम जी अपॉन एम इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये एम स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा। सी फ्रेंड्स अगर आपके पास दो सिमिलर क्वांटिटीज है जो लेफ्ट हैंड साइड पे भी है और राइट हैंड साइड पे भी है और सेम पोजिशन पे, तो दोनों चीजों को आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो। अगर आपके पास सिमिलर टर्म्स है लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी और सेम पोजीशन में, जैसे ये भी न्यूमरेटर में था ये भी न्यूमरेटर में, ओके तो हमने दोनों को डायरेक्टली कैंसिल कर दिया। सो अभी रिमेनिंग टर्म्स को लिख लेते हैं, दैट इज जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये फ्रेंड्स हमें मिलता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ। तो अर्थ की सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट के जो किसी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होता है वो है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। नाउ फ्रेंड्स वी नो दैट द वैल्यू ऑफ जी इज 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये जी की वैल्यू होती है जो हमने इस लेसन के फोर्थ पॉइंट में स्टडी की थी। और इस वैल्यू को फ्रेंड्स डिस्कवर किसने किया था या कैलकुलेट किसने किया था, हेनरी कैविंडिश ने। देन एम, कैपिटल एम क्या होता है मास ऑफ द अर्थ, और अर्थ का मास होता है 6 × 10^24 किलोग्राम। अर्थ का मास कितना है 6 × 10^24 किलोग्राम। उसी तरह से हमें कैपिटल आर की भी वैल्यू पता है, कैपिटल आर क्या है रेडियस ऑफ द अर्थ, और इस केस में वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस भी है। तो अर्थ का रेडियस होता है 6.4 × 10^6 मीटर्स।
तो इस तरह हमें जी की वैल्यू पता है, एम की वैल्यू पता है और आर की वैल्यू पता है। ये सारी वैल्यूज अगर आप इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें यानी पुट करें तो आपको जी की वैल्यू मिलेगी, तो आपको फ्रेंड जी की वैल्यू मिलेगी 9.77 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, तो अर्थ की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.77 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। बट अगर आप जनरली बुक्स में देखें तो जनरली बुक्स में जी की वैल्यू लिखी जाती है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड, सॉरी मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। जनरली आप कोई भी बुक देखें तो उसमें जी की वैल्यू यही कंसिडर की जाती है। तो ये जी की अप्रोक्स वैल्यू है, यानी 77 को फ्रेंड हमने कन्वर्ट कर दिया 80 में, सो ये बन गया 9.8। पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। ओके, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त भी आप जी की वैल्यू 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ही यूज करोगे। बट समटाइम्स फ्रेंड्स, बट समटाइम्स जी की वैल्यू हम यूज करते हैं 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और ये भी अगर न्यूमेरिकल्स में दिया गया हो तो। ओके, कुछ स्पेसिफिक ऐसे न्यूमेरिकल्स है जहां हमें क्वेश्चन में ही बताया जाता है कि आपको जी की वैल्यू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर यूज करके सॉल्व करना है। तो जब ये कंडीशन दी गई हो तब जी की वैल्यू यूज करनी, तब जी की वैल्यू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर यूज करनी है। और अगर जी की वैल्यू नहीं दी गई हो तो आप जी की वैल्यू यूज करोगे 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ हमारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये तो सॉरी ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, बट हमेशा ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे तो नहीं रहेगा। सपोज हमारा ऑब्जेक्ट यहां से मूव होता है और अर्थ के सरफेस से पहुंच जाता है एक हाइट h पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट जिसका मास m। तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो यही फॉर्मूला देके आप इस सिचुएशन के लिए भी एक फॉर्मूला बना सकते हैं। ये फॉर्मूला फ्रेंड्स कब बना? जब ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे था, यानी ऑब्जेक्ट के सेंटर और अर्थ के सेंटर में r डिस्टेंस था। अभी ऑब्जेक्ट और अर्थ में, अर्थ के सेंटर में कितना डिस्टेंस है? r प्लस h। तो जस्ट r स्क्वायर की जगह हम r प्लस h पुट करेंगे तो हमें h हाइट पे इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना है वो पता चल जाएगा। तो हियर वी विल राइट फ्रेंड जी एच, जी एच क्यू बिकॉज ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट h, यानी एक हाइट h पे जी की वैल्यू कितनी होती है। तो जी अपॉन एम, सॉरी जी इंटू एम एज इट इज आएगा। जस्ट यहाँ आर स्क्वायर की जगह क्या डालना है? आर प्लस एच स्क्वायर, आर प्लस एच स्क्वायर, बिकॉज इस केस में ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस आर था। बट जब ऑब्जेक्ट एक हाइट एच पे है, ओके, तो उस केस में अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच के, अर्थ और ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच आर प्लस एच का डिस्टेंस है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट, सॉरी एट अ हाइट एच, ओके, एट अ हाइट एच। इस फॉर्मूले को भी देख के फ्रेंड्स आप बता सकते हैं कि अगर h यानी हाइट बढ़ती रहेगी, अगर हाइट इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। बिकॉज फ्रेंड्स ये मैथ का एक सिंपल सा रूल है कि अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तो सामने वाली टर्म की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो अगर h इंक्रीज होगा तो यहाँ का डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, और अगर ये डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। ओके, दैट मीन्स विथ हाइट देर इज अ वेरिएशन इन जी, यानी हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है। और भी फ्रेंड्स ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिनके साथ जी की वैल्यू चेंज होते रहती है। ओके, हमेशा जी की वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी, जैसे आप प्लेस चेंज करोगे जी की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। यहां पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जी के फॉर्मूले में स्मॉल एम आता है, दैट इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो नहीं आता, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता।
यानी अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ, तो इस पॉइंट पे फ्रेंड्स मेरी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और इस चौक की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दोनों सेम है, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मेरे या चौक के मास पे डिपेंड नहीं करता, वो तो अर्थ के मास पे डिपेंड करता है। इसलिए फ्रेंड्स एक गिवन पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू किसी भी मास के लिए सेम होगी। यानी अगर आप एक रूम में बैठे हो तो एक रूम में आपके लिए, आपके पापा के लिए, आपके मम्मी के लिए, आपके सिस्टर के लिए, सबकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो सेम होगी। इसका रीजन है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके मास पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है अर्थ के मास पे और आपके और अर्थ के बीच के डिस्टेंस के बीच। सो दिस वॉज फ्रेंड्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी हम देखेंगे वेरिएशन इन जी, यानी किन किन फैक्टर्स के साथ जी की वैल्यू चेंज होती है।